वाले सार्फिन के बिलों में 3,000 रुपये कमी की जाएगी। निगरान हुकूमत का बिजली के बिलों में रिलीफ देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 60,000 से 70,000 रुपये तक बिजली के बिलों वाले सार्फिन के बिलों में 13,000 रुपये तक कमी होगी। निगरान हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ के लिए IMF के साथ बातचीत जारी है। बिजली पर रिलीफ देने के मामला IMF की रजामंदी से मशहूर है। वहम गुमान में भी नहीं था कि वजीर आजम बनूंगा। आइन के मुताबिक वक्त से ज्यादा ओहदे पर नहीं रहूंगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का फैसला करेगा। निगरान वजीर आजम अनवर उल्लाह काकर कहते हैं, अदालत जो भी फैसला करेगी हमारे लिए काबिल कबूल होगा। मौजूदा बहरान का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। कोशिश है ऐसा फैसला करें जो बाद में वापस ना लेना पड़े। बिजली के बिल ऐसा मसला नहीं जिन पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुतालिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर करेंगे। 9 मई के वाकयात का हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। नायब ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी को नायब लाहौर की टीम ने गुजरावाला से गिरफ्तार किया। मुलजिम पर गैर कानूनी तमीरत में 1 अरब रुपये से जायद रकम बतौर किक बैक लेने का इल्ज़ाम है। गैर कानूनी भर्तियों का केस भी चल रहा है, आज नायब अदालत में पेश किया जाएगा। मोहम्मद खान भट्टी साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। मुबैना तौर पर किक बैक हासिल रकम परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और मोहम्मद खान भट्टी के दावे का ऑप्शन है। शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में कोई सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगे। निगरान वजीर दाखिला हसन हारिस नवाज ने वाजे कर दिया। कट्टा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन की तारीख मिलते ही हिदायत जारी कर देंगे। कोई सियासी दबाव है ना ही लेंगे, वोट के लिए नहीं अवामी खिदमत के लिए आए हैं। मजीद कहा कि कराची समेत सिंध भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली है। कच्चे और पक्के में सब जगह ऑपरेशन किया जाएगा। सूबे में अमन कायम है। पाकिस्तान के कर्ज में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की कमी हुई, लेकिन डॉलर की कीमत में इजाफा होने से पाकिस्तान का वाजिबुल अदा कर्ज कम होने के बजाय 6,000 अरब मजीद बढ़ गया। वजारत खजाना के मुताबिक मार्च 2023 तक माली साल के 9 माह में पाकिस्तान के मुल्की और गैर मुल्की कर्जे मजीद 10,000 अरब रुपये बढ़ गए। कर्ज 59,247 अरब रुपये हो गया। इनमें से मुल्क कर्जा 35,076 अरब रुपये और गैर मुल्की कर्जा 24,171 अरब रुपये। सिंध में तरक्याती स्कीम्स के फंड रोकने पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। लिखा, सिंध में सैलाब से मुतासर अफराद के घरों की तामीर समेत अवामी फलाह बहबूद की तरक्याती स्कीमों के फंड्स मुंजमद किए गए हैं। घरों में सोलर प्लेट्स लगाने के फंड्स भी रोक दिए गए। निगरान हुकूमत जारी तरक्याती स्कीमों को नहीं रोक सकती। सेनेटर ताज हैदर कहते हैं, निगरान सूबे में 21 लाख घरों में सोलर पैनल्स लगने हैं जिनका काम रोक दिया। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल हुआ। तजारत, मईशत, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी तआवुन के फरोग पर बात की। मरियम नवाज ने कोरोना वबा के मुश्किल तरीन हालात और सैलाब के दौरान अमरीकी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान को मोदी का हिंदुस्तान नहीं बने देंगे। निगरान वजीर मजहबी उमूर नीक अहमद का जाम बनोदिया कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा तबाह करना चाहते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। आज मुल्क के हालात परेशान कुन हैं, हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। हमें सकाफती मसाइल दरपेश हैं। उलमाए कराम और तलबा ने कौम को मायूसी से निकालना है। एशिया कप के चौथे मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से हरा दिया। बांग्लादेश की टीम ने पहले खेलते हुए 335 रन का हदफ दिया। अफगान टीम 245 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश के मेहदी हसन और नजमुल हुसैन की शानदार सेंचुरियां। बंगाल टीम ने वनडे मैचों में तीसरा बड़ा स्कोर बना दिया। दूसरी जानब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर और नायब सदर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय बोर्ड हुकाम वाघा बॉर्डर के रास्ते आएंगे। गवर्नर हाउस में तमाम टीमों के एजाज में तकलीफ बजाई जाएगी। भारतीय बोर्ड हुकाम को भी मदद किया जाएगा।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। लाहौर में चीनी की किल्लत, कोयटा में 3 किलो चीनी की कीमत 220 रुपये हो गई। ज़खीरांदोज़ और मुनाफा खोर दोनों हाथों से अवाम को लूटने लगे। हैदराबाद में फी किलो पर 10 रुपये का इजाफा, 180 रुपये किलो हो गई। कराची समेत दीगर शहरों में भी चीनी महंगी, एक हफ्ते के दौरान चीनी 18 रुपये महंगी हुई। कोयटा में महंगाई बेकाबू, चीनी 210 रुपये, घी 650 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। बदतरीन महंगाई ने आवाम को जीना मुहाल कर दिया है। हैदराबाद में चीनी की कीमत में मजीद 10 रुपये इजाफा, 180 रुपये की हो गई। चावल 380, 360 रुपये में दस्तियाब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।